स्टूडेंट, चलिए अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आ गए लगभग लगभग, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर मेरी असाइनमेंट का 44। आपके बुक में क्या करना है आपने बताइए, चेक कर लेना है। ठीक है, पार्टनर ए बी सी है इसमें भी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है कि ए बी एंड सी पार्टनर इन अ फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इज रुपीज 30,000। फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 30,000 है, विच हैज बिन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बिटवीन द पार्टनर। जो कि ये नेट प्रॉफिट था वो बांट दिया गया पार्टनर में, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया इन द एग्रीड रेशियो 3:1:1। तो भाई तीन पार्टनर हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और जो पीएसआर था वो उन्होंने बांट लिया आपस में मानते हुए 3:1 और 1 के रेशियो में। ठीक है, इट इज द डिस्कवर 10 अप्रैल को, तो 31 मार्च 2016 और पाया गया 10 अप्रैल को, द अनडिटर्मिनेशन ट्रांजेक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक, कुछ चीजें हम भूल गए या एक्स्ट्रा पास कर दी है 31 मार्च 2016 को, पिछले साल हमने कुछ गलतियां करी तो सुधारेंगे तो इसी साल भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम जो हमें देना चाहिए, जो ए का कैपिटल हमारा और बी का कैपिटल और सी का कैपिटल दे रखा है। यहाँ पे अब क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बताए तो हम मान लेते हैं भाई ये ओपनिंग ही होगा, सबसे आसान तो यही है। तीनों का कैपिटल दे दिया, इस पे इंटरेस्ट इनको ये मिलना चाहिए। यानी ए का कैपिटल हम अगर बात करें तो कैपिटल 50, 40 और 30, 50, 40 और 30। ठीक है, 6% इसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इस पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 6%। कोई बात नहीं, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा है 350, 250, 150 जो कि होना चाहिए। इसके बाद सैलरी ए को मिलना चाहिए 5,000 और बी को, देखो यहां पर एनम कुछ नहीं है, फ्लैट है, तो यही देना है हमें। कमीशन ड्यू टू ए, ए को कमीशन देना चाहिए, स्पेशल ट्रांजेक्शन 3,000 के लिए। चलो, यू आर रिक्वायर्ड पास जर्नल एंट्री विच नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रेक्टिफाई द पोजीशन। रेक्टिफाई यानी एडजस्टेड एंट्री बोल रहा है हमें ये। तो देखो एक बार अंडरलाइन करना कि इसने क्या बोला कि नॉट पास थ्रू, तो ये सारे आइटम पास करना भूल गया। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले तो भाई जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट दिया है क्या कहीं क्वेश्चन में, प्रॉफिट था हमारा 30,000 रुपए, जिसको कि रिटर्न बैक ले लो। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट यहां दिख रहा है आपको 30,000 दिख रहा है ना, नेट प्रॉफिट आपको 30,000, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ जी, नेट प्रॉफिट आपको 30,000 तो दिख रहा है। 30,000 को बैक लेते हैं 3:1:1 के रेशो में, क्योंकि यही रेशो एक्यूरेट भी मान लिया जाएगा, क्योंकि इसने बताया ही नहीं ऐसा कोई। तो 30,000 रुपीज 22,500। सर इस बार रेड मार्केट से नहीं करोगे? नहीं, इस बार इसी से कर देते हैं, 22,500, 7,500। पहले प्रॉफिट वापसी ले रहा हूँ, 7,500 और 30,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूँ मैं जो भूल गए, 6% 3,000, 6% 24, हाँ 2,400, 6% 1,800, ये टोटल हो गया 3,000, 2,400, 1,800, 7,200 डेबिट। अब सामने सामने लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा है यहाँ पे 350, 250 और 150। और कई बार ध्यान देना, एग्जामिनर जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, तो क्या पता आप रनिंग में पहले वो सी का दे दे, फिर बी का, फिर ए का, तो ध्यान से देखना है आपने ये। मैं तो टेस्ट में ऐसे दे दूं, आपने लिखा और फिर बोलोगे ओ शिट, ध्यान ही नहीं दिया ये। तो ए का 350 है तो डेबिट करेंगे ना, बी का 250 डेबिट करेंगे और 150 डेबिट करेंगे, तो क्या हो गया हमारा, कितने हो गए टोटल 400, 3,750 रुपए क्रेडिट। अब कहता है पार्टनर का सैलरी ए और बी का, तो सैलरी भी दे देते हैं। तो देखो सारे पॉइंट लगभग कवर कर रहा है,
बस गारंटी नहीं है इसमें। सैलरी ए का 5,000 क्रेडिट कर देते हैं भाई, मिलना चाहिए तुम्हें। बी का 7,500, ये लो भाई क्रेडिट कर दिया। टोटल 12,500, ये लो डेबिट कर दिया। कमीशन टू ए, चलो भाई कमीशन भी दे देते हैं, यहां तो सिंपल कमीशन है। ए 3,000 रुपये क्रेडिट कर दिया, ये लो 3,000, और तो कोई है नहीं तो 3,000 यहाँ डेबिट कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट को टेकन बैक करना है बस। चलिए राइट, प्रॉफिट टेकन बैक नहीं, सॉरी प्रॉफिट गिवन हमें करना है, प्रॉफिट जो बटना चाहिए। टोटल करते हैं 30,750, 30,750। अब थोड़ा बैलेंसिंग फिगर अलग करके निकाल देते हैं ना, 7,200, 12,500, 3,000, 8,050 किसी रेशियो में डिवाइडेड बाय 4 × 3, 60-37, 60-37। तो इसमें ना पॉइंट का आपका आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 44 है। हाँ एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं इसका, तो प्रॉफिट ये प्रॉफिट जो है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई शायद, शायद ये प्रॉफिट ना थोड़ा सा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको ठीक कर देते हैं। 30,000 को हमें ना 3,11 में बांटना था, ये 18,000 होगा, ठीक है। बाकी कोई गड़बड़ी नहीं है, आप ऐसा मत समझना कि गलत हो गया कुछ। 6, 18 और 12, इसका भी 6,000 और इसका भी 6, तो 12 और 18, 30, ठीक है। अब 8,050 डिवाइडेड बाई 5 × 3, 4,830 ये आएगा, 4,830, 1,1610, 1,610 और 1,610, ठीक है। चलिए अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं इसका। इसका देखो तो 18,350, 18,350 तो इसका डेबिट हो रहा है ना, -3,000, -5,000, -3,000, 4,830, 2,520, 20, ये लो इसका काम खत्म। अगले पे चलें, अगले पे 6,000, इधर का ज़्यादा है, 2,400, 7,500 और 1,610, 11,510, 11,510, -6,000, -250, 5,260, तो यहाँ होगा हमारा क्रेडिट 5,260। इसका चेक करते हैं, 6,6 इधर का ज़्यादा, डेबिट का 150, 6,150 है ना, 6,150। अब 6,150 में से -1,800, मैं तो कह ही रहा हूँ कि बड़ा आसान है, यहाँ पे आएगा डेबिट में 2,740, ठीक है। जनरल एंट्री करते हैं, दो डेबिट है, एक है ए और एक है सी, तो ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल और 2 B इज कैपिटल। यहां पे आएगा 2,520, 5,260 और यहाँ पे 2,740। सत्ताईस सौ चालीस और 5,260, ठीक है, 5,260, 5,260, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर इसका, इसको भी नोट करिएगा। कई बच्चों का डाउट हो सकता है इस क्वेश्चन में पढ़ने में कि सर इसके अंदर 45 में कहता है कि जो था एडजस्टमेंट, क्वेश्चन में कहता है कि 30,000 विच हैज बिन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटिंग अमन 3,11, 30,000 बांट दिए गए, तो ये तो कैपिटल हमारा सर क्लोजिंग हुआ ना। नहीं ऐसा नहीं है,
जब डेट दे दे और ड्राइंग का अमाउंट भी देता और ऑलरेडी हैज बिन क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड बोलता, तब मानता है अभी ये डेबिट है। नोट भी देके आप कर सकते हो आगे, तो इसको नोट करिए। और फिर से मैं बोलूँगा कि कोई भी डाउट हो कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा, हर एक बच्चे को रिप्लाई करूँगा मैं। और नोट करिए, सिर्फ इसी टॉपिक, देखो जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक से रिलेटेड। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इस क्लास की भी वीडियो प्रोवाइड कर दो, तो वो जैसे जैसे टॉपिक डालूंगा आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन दबाएंगे, मैं डालता ही रहूंगा। इसके बाद 45 और 46, 47 48, 2-3 क्वेश्चन और असाइनमेंट में है, तो नोट कर लीजिए आप इसको। हाँ जी बच्चे, मैं एक और क्वेश्चन जाने करने जा रहा हूँ असाइनमेंट का 45। अब कुछ बच्चों का असाइनमेंट अगर पता नहीं चल रहा कहाँ है, तो मैं नीचे गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी साइड में क्वेश्चन तो आ ही रहा है और नोट कर लेंगे। 45 है क्वेश्चन नंबर, और TS ग्रेवाल में आप सेम क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। और फिर अगेन बोल रहा हूँ, अब न्यू क्वेश्चन है तो आप देखें, न्यू वीडियो है आपके लिए। इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो सारी क्लास 12th की वीडियो मिल जाएगी। और शेयर करो फ्रेंड में कि सर हमें आता है, तो विद्या जो है ना वो बांटने से बढ़ता है, छुपाने से कभी भी नहीं। वो तो आप भूल जाओगे जितना ज़्यादा आप बांटोगे ना, कि हमें आता देख हमने ऐसे किया था, मैं तुझे करा देता हूँ, इधर आ जा जल्दी से मैं समझाता हूँ, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपका एक परफेक्टनेस आ जाएगा, उस पूरे चैप्टर पे पकड़ हो जाती है अच्छे से। तो क्वेश्चन 45 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी तीन पार्टनर हैं, सरोज, महेंद्र और उमर। तीन पार्टनर सरोज, महेंद्र और उमर। तो देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। ये कहता है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग। अब इसने कह दिया आफ्टर मेकिंग और डेट भी दे दिया, तो क्लोजिंग है। कैपिटल देखो आपको क्या दे रखा है इन्होंने, 80, 60 एंड 40। अब कहता है क्लोजिंग है ये 80 और 60 एंड 40 है ना। चलो, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग हैज बीन ओमेटेड, और पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग ओमेटेड है, देना भूल गए, मतलब कि ओमेटेड का मतलब ना देना भूल गए, ठीक है। आगे चलते हैं, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2014 80,000, और जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया है इस साल का, नेट प्रॉफिट है वो है हमारा 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज। और इस कैपिटल में पहले से प्रॉफिट है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं इसमें से, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल बनाना है, और प्लस कर देंगे क्या, ड्राइंग, वो ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो। कहता है ड्यूरिंग द ईयर सरोज, महेंद्र ईच विड्रॉन, दोनों ने विड्रॉन किया 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ द मंथ, एंड उमर विड्रॉ 36,000। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड 10%, ठीक है। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5 और कैपिटल पे 10 है, तो मैं यहां लिख देता हूं, IOC है हमारा 10, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग IOC 10 और IOD 5%। ओके, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग 431, और जो इनका PSR है वो 431 का है, इनका 431 का है, ठीक है। तो अब जो था मेकिंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग करने के बाद, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा हमने क्या कर रखा है, इसमें गड़बड़ी करी हुई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन एक बार रिकनसाइल करता हूँ, तीन पार्टनर है, एक का नाम क्या है हमारा, सरोज है, महिंदर है और उमर है, ये तीनों पार्टनर है। तीनों पार्टनर ने क्या करा, प्रॉफिट कमाया 80,000 और प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग दिए हुए, और ये कैपिटल क्लोजिंग है, क्वेश्चन ही कहता है। तो प्रॉफिट पहले रिटर्न बैक लेते हैं, 4, 3, 7 और 1, 8, 80,000, तो 40,000, 40 के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30, और सॉरी 40, 30 और 10 माइनस का है ना, ड्राइंग। अब ड्राइंग वाली लाइन पे आते हैं, ड्राइंग में कहता है कि जो ड्राइंग किया है इसने वो किया है 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ
एंड मंथ में, और उमर विड्रो 36,000। तो दोनों के ड्रॉइंग पे कॉन्सेप्ट अलग है। तो 24,000 जो है उसका विड्रॉन है। अब ये टोटल है या फिर क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ड्यूरिंग द सरोज और महिंदर, दो ही पार्टनर ड्रॉइंग करते हैं, सरोज और महिंदर ड्रॉइंग करते हैं, और ड्रॉइंग करते हैं वो 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। टोटल 24,000 है, सम है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एंड ऑफ द मंथ। और एक ने किया तो दो ही पार्टनर है, तो एक इसने 24,000 रुपये ड्रॉइंग किया प्लस हो जाएगा, दोनों देखो अब सरोज और महेंद्र इन दोनों ने 24-24 किया है। तो क्वेश्चन को ना थोड़ा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। कहता है कि सरोज और महेंद्र ईच ने, दोनों ने 24-24 एंड ऑफ द मंथ किया, और उमर ने 36 किया है, उमर का 36। लेकिन उमर का ना फिक्स है, एंड ऑफ द मंथ नहीं है इसका, ठीक है, इसका कुछ नहीं बताया हमें, सिर्फ इन दोनों का बताया। तो इस वाले ड्राइंग पे अलग रूल लगाएंगे, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगा तो अभी मैं बताऊंगा। तो 40 और 24 64, यहाँ पे 30 और 24 54, 30 और 36 66, ये कैपिटल आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉफिट को रिटर्न बैक कर लेते हैं। भाई प्रॉफिट कितना है हमारा, 40,000, और 40 के बाद 30,000, चालीस 30 के बाद 10,000, और टोटल 80,000 रुपये। ठीक है, क्रेडिट कर दिया, ये तो नॉर्मली करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो 10% 6,400, 10% आएगा 5,400, 10% आएगा 6,600, टोटल कर देते हैं 64, 54, 66, 18,400 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो मैं फिर से टाइमलाइन बनाता हूं, समझना बात को। मैंने बोला था मंथली अगर विड्रॉल करता है तो मंथली में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ। तो इस महीने का तो 11 महीने तक ब्याज, और मार्च के तो बिल्कुल एंड में निकालेगा, तो यहाँ 0 मंथ, दोनों को ऐड करो तो कितना एवरेज आ गया, 5.5। क्लियर है ना, 5.5। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालू इन दोनों का 24,000 पे, तो कैसे निकालूंगा इंटरेस्ट, तो 5.5। वैसे मैंने टेबल भी बताया भाई, उसको लर्न कर लो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो 5.5 एवरेज बेसिस पे। तो इसका इंटरेस्ट निकलेगा हमारा किसका, एस का, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू 24,000, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, टोटल है इंटू में, रेट क्या है 5%, 5/100 इंटू में 5.5/12, ठीक है ना, 5.5/12, तो 24,000 5% डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 5.5, 550 रुपये। तो IOD डाल देते हैं, लेकिन 550 इसका और 550 इसका, इसका उमर का कोई रेट नहीं देता, वो फ्लैट 36,000 बोलता है। तो जब फ्लैट देता है ना IOD उमर का, तो 36,000 पे सीधा बस 5% निकालना है। अब 5% पे पर एनम है या नहीं है ये चेक करो सर, 5% पे पर एनम है, तो अब इस नहीं होता तो नहीं करते। 36,000 5% डिवाइडेड टू 900 रुपये, और इसके हिस्से में इंटरेस्ट डेबिट कर, ओहो क्रेडिट नहीं करना जी, इंटरेस्ट बाय मिस्टेक हो गया, और इसको 900 टोटल कर देते हैं, 900 और 1,100, 2,000। बड़ा ही आसान है देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बाद कोई कमीशन वमीशन का कोई फड्डा है क्या, नहीं है जी, बस सिंपल है, दो ही चीज तो भूल गया क्वेश्चन नंबर 45 में। देखो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात कर रहा था, विड्रॉन किया था उसने 80,000 रुपये का था,
इंस्टॉलमेंट में और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी पीएसआर 431 तो है ही है, 431 ही हमारा पीएसआर में तो कोई झंझट है नहीं, चलो बांट देते हैं आप। थोड़ी लाइन ऊपर नीचे हो सकती है तो उसको थोड़ा सा, हाँ 2350। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्राइंग मैंने यहाँ डाला है ना आईओडी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 20,000 इस साइड लिखना था हमें क्रेडिट में, है ना, तो ये प्रॉफिट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर फाइनल हम कर देते हैं अभी। तो 80,000, 2020 लिख दिया, फिर 2,000 ये 82 आएगा, 82,000, 82,000, वो जल्दबाजी में मैंने क्रेडिट डेबिट कर दिया था। 82,000 माइनस 18,400, 63,600, 63,600 डिवाइडेड बाई 8 × 4, 31,800, 31,800, 23,850, 23,850, 31, 7950, 7950, ठीक है। अब मैं दोबारा टोटल को रेक्टिफाई कर देता हूँ। तो क्वेश्चन तो देखो बस बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसका रेक्टिफाई मैं करता हूँ। 40,550, 40,550, 40,550, अब 40,550 माइनस 6,400 माइनस 31,800, तो ये देखो डेबिट में आ गया हमारा 2,350। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, तो 23,850 प्लस 5,400 तो 30,550, 30,550 माइनस कर देते हैं 30,550, 1,300 रुपये आ गया, ये भी डेबिट 1,300 रुपये। अच्छा इसका चेक कर लेते हैं, तो क्रेडिट का ज़्यादा है इसका, और 7,950, 14,550, 14। कई बार बुक वाले ना बैलेंसिंग फिगर यहीं लिख देते हैं ब्रैकेट में करके, डेबिट क्रेडिट में बाहर लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 6,600 माइनस 7,950, हाँ 14,550 माइनस 10,000 माइनस 900, 3,650 ये क्रेडिट होना है, ठीक है। अब जनरल एंट्री कर देते हैं इसकी, ठीक है ना। जनरल एंट्री क्या होगा, पहले के दो पार्टनर डेबिट हो जाएगा और एक पार्टनर हो जाएगा हमारा क्रेडिट, क्यों? तो जनरल एंट्री मैं कुछ इधर कर देता हूँ आपका, कौन कौन डेबिट होगा, एस और एम। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, उसके बाद एम कैपिटल डेबिट और टू यू। मैं तो जल्दबाजी में कर देता हूँ, आपको ये फेयर वर्क में करना है प्रॉपर फॉर्मेट में। 2,350, 1,300 और 3,650, 3,650 तो टोटल मैच होना चाहिए डेबिट क्रेडिट का। आप जब क्वेश्चन करो ना पास्ट एडजस्टमेंट, तो ऑटोमेटिक मैच भी होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना आप। तो ठीक है, जनरल एंट्री मैंने यहाँ कर दिया है, अब इसको फटाफट नोट करिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन रह गए, 45 भी कर दिया मैंने, 45 के बाद 46, 47 और 48 ये जाएगा। 46 बिल्कुल इसी के तरीके से, ये भी होमवर्क दोबारा ट्राई करेंगे आप, 47 भी ट्राई करेंगे और 48 भी ट्राई करेंगे, और फिर नहीं आता तो फिर अगली क्लास के अंदर हम इसको कंसेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो नोट करना है आप सभी को, और सभी के बच्चे को भेजना है मुझे व्हाट्सएप पे, ओके ठीक है, चलो बच्चे नोट करिए आप।